आप सबका स्वागत है आपके हमारे नए ब्लॉग में सुपर घाट आप सभी को। और हम लोग तो सुबह ही उठ गए थे, फ्रेस वगैरह सब हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिनको फिर स्कूल जाना है। और बारिश अभी जाके बंद हुई है, लेकिन आज दिखा रहा पूरे दिन 100% बारिश। देखिए बादल नीचे तक फिर बादल आया हुआ, और इधर दोनों मस्ता कर रहा है ब्रेकफास्ट, पूरी खा रहा है आज, जो यहाँ का मनपसंद है। तैयार पहले ही हो चुका है, उसके बाद अब स्कूल के लिए निकलना है, जूते उते पहनेंगे बच्चे, और मैं भी जा रहा हूँ जूते पहनने के लिए। और इधर ने तो दोबारा चाय के लिए तैयारी में है, तो चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे, अभी टाइम है। बच्चे चले गए प्लांट के स्टाफ, जा रहे थे उधर ही हटकोटी की तरफ, कार से आए हुए थे तो उन्हें एक साथ चले गए हैं, और मैं बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लाना है घर के लिए। बच्चों को छोड़ दिए स्कूल के लिए, जा रहे हैं वो लोग नीचे, और मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेना घर के लिए। आज मिथिलांचल में मधुश्रावणी का त्यौहार होता है, उसके लिए कुछ सामान लेना है। आज नमक नहीं खाएगी नहीं तो, उनके लिए आम ले लिए हैं, और खीर बनना है तो उसके लिए दूध भी ले लिए हैं, और कुछ सामान लेना था वो सभी ले लिए, अब घर के लिए चल रहे हैं। अरे देखिए बारिश जो हुई है रात को, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, ये डैम से पानी छोड़ा गया अभी ये नदी में। देखिए इधर तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ नदी में, अनाउंसमेंट भी करके जा रहे हैं नीचे वाले रोड पे, पानी में चेतावनी दे रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा आ गया है। अनाउंसमेंट भी हो रही है कि नदी किनारे नहीं जाने के लिए, बहुत ज्यादा अचानक से पानी बढ़ गया है। चलिए मैं भी आधे रास्ते पे आ गया हूँ, और बारिश भी लग गई है, मैं चलता हूँ घर। आते रास्ते से बारिश होने लगी धीरे धीरे, बहुत तेज, जब तक आते पूरे तरफ भींग गए हैं। जा रहे हैं कपड़ा चेंज कर लेते हैं, घर आ गए उसे। और इधर ने तो पोछा लगा रही है घर में, घर लग गया पोछा, फिर बारिश लगी ही है अभी। तो भी नहा के आ गई है, और उनके मम्मी पापा भी नहा लिए हैं, क्योंकि गड्ढे में जो है ना आज कीचड़ वाला मिट्टी वाला पानी आ जाएगा, जिसके लिए सबको सुबह सुबह स्नान ध्यान हो गया। बारिश लगी है कंटिन्यू, बीच बीच में थोड़ी सी रुक रही है, बाद में की बारिश लग रही है। और इधर फिर नहा के आने के बाद इधर खीर बनने के लिए दूध को बॉइल कर रही है अभी, दूध में मार्केट से आज लाया था, तो आज इन लोग को पर्व है मिथिलांचल में हमारे मधुश्रावणी का जो पर्व होता है ना, वही पर्व है, तो आज खीर वगैरह बनाएंगे, नमक खाना नहीं है इनको आज। आज तो मेरा नमक नहीं खाऊंगी, मैं नमक नहीं खाऊंगी, मैं भेजी मामू जी, तो मैं उधर दूध चढ़ा दी, खीर बनाने के लिए, और ये देखो मम्मी गांव से चावल लेके आई थी, खीर का इतना अच्छा चावल है, इधर तो मिलता भी नहीं है, लेके आई, बोल तो बहुत रही कि जो पांच छह केजी लेके आती हूँ, पर मैं बोली नहीं, पर मैं मना कर दी थी, और बहुत सामान लेके अचार उचार भी लेके आई हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊँ कि मम्मी क्या क्या लेके आई हैं। और कल हम लोग मार्केट गए थे, रोहू गए थे, तो बच्चों के लिए बर्थडे के लिए कपड़ा भी लेके आए हैं, तो वो सब भी आगे मैं दिखाऊँगी, पहले खाना बना लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ खाना बनाने के बाद, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी जो कल क्या क्या हम लोग खरीद के लाए हैं। और बच्चों को लाने के लिए गए हुए थे, बच्चों के लिए आए स्कूल से, और देखिए अब कितनी धूप हो गई, सूरज एकदम चमक रहा है, पीछे बादल भी लगी है ये कहीं, और इधर मौसम साफ, एकदम नीला आसमान, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है मौसम का हाल। खाना तो इन लोगों का हो गया, पापा जी तो सो भी जाए।
और इधर मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। बस खाना तो हो गया, इन लोगों का खाना हो गया, मैं तो खीर बनाई थी, खीर खा ली, आम खा ली। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कल बच्चों के लिए गिफ्ट मिला है बर्थडे का नाना जी और नानी की तरफ से। तो ये देखिए मैं कैफ्री ली हूँ क्योंकि जीन्स नहीं ली हूँ। कह रहे थे पापा जी, मम्मी भी कह रही थी जीन्स ले लेने के लिए, क्योंकि जीन्स बहुत है और बच्चे पहन भी नहीं पाते हैं इतना, फिर लेके फालतू का रखना। कपड़े लेने का मतलब है जो यूज हो जाना, तो यूज के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैं यही ली टी शर्ट और कैफ्री ले ली हूँ। तो ये डुगू का है, डुगू दोनों भाई अपनी पसंद से लिया है क्योंकि नाना जी बोले जो अपनी पसंद से ले लो, तो ये दोनों अपने पसंद से लिया है। और ये है ससी का, ये रहा कैफ्री ससी का, और ये रहा टी शर्ट, और ये रहा जेंस डुगू का कैफ्री, और ये रहा टी शर्ट। उसको वाइट टी शर्ट ही बहुत दिन से लेने का मन कर रहा था, तो ये रहा टी शर्ट। तो यही बस बच्चों के लिए कपड़े लेके आई हूँ, और मम्मी पापा अपने लिए कुछ छोटा छोटा सामान शॉपिंग किए हैं। क्योंकि कहीं भी इंसान जाता है, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, पर दूसरे जगह जाता तो होता है हाँ ये ले ले, ये ले ले, तो ये सभी के साथ होता है। तो छोटा छोटा शॉपिंग मम्मी पापा किए हैं, और बस यही कपड़े लेके आई हूँ। और बच्चे इधर अभी सो रहे हैं क्योंकि लोग भी स्कूल से आया, खाना खा के सो गया है। और बस अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम ख़राब हो गया। आज हम लोग सोचे थे ऊपर के लिए घूमने के लिए जाएंगे, पर बारिश लगने लगी है, तो देखिए कब तक बारिश छूट, यदि बारिश छूट जाएगी तब तो चले जाएंगे घूमने के लिए, नहीं तो बाद में आके जा रही हूँ पहले चाय बनाने के लिए, सबको चाय बना के दे देती हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से बाद में। फिर से इधर बारिश होने लगी, कुछ बादल कहीं कहीं खाली हुई है, लेकिन कहीं कहीं बादल लगी हुई है जोरों की, तो उसकी वजह से बारिश शाम के टाइम में हो रही है। अभी 5 बजने को है, 4-5 मिनट बाकी है और बारिश स्टार्ट है, ठंड भी बढ़ा दिया है। चलिए मैं भी चाय पीता हूँ, नहीं तो बनाने चली गई है, और उसके बाद फिर मुझे जाना है ड्यूटी। अरे आज पार्टनर आए हुए हैं, फिर वो चले जाएंगे कुछ दिन में, तो मैं अब जा रहा हूँ। और अगर पापा जी मम्मी वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं गांव, और यहाँ देखिए शाम के टाइम में सभी को घूमने गए थे, मैं तो ड्यूटी में था, बच्चे और अपने नाना नानी और मम्मी के साथ गए थे। तो ये सबसे ऊपरी रोड से दिखा रहा जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये कमरा है नीचे जो आप देख रहे थे, और प्लांट, और ये देखिए घूम रहे हैं सब कोई। और हर्ष जो पहाड़ी के ऊपर बगीचा है ना, उस सबके बारे में बताते जा रहा है अपने उनको। बगीचा ही तो है, देखिए ना नेट सब हिल रहा है। और नीतू अपने पापा मम्मी को साथ के साथ बताती भी जा रही है, पिछले बार जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, उस सबके बारे में बताते जा रही थी। ड्यूटी से आ गया हूँ घर, और देखिए कितनी तेज हवा रही है, बारिश भी हल्की हल्की लगी है। हवा बहुत ही तेज चल रही है, रात को क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि लाइट नहीं है पीछे, दूर का नहीं आ रहा है उतना क्लियर। शाम में तो हम लोग चले गए थे घूमने के लिए ऊपर वाली रोड पे, और बहुत चढ़ाई है। और चलिए शाम को जब घूम के आए तो बारिश भी लग गई थी थोड़ी थोड़ी, पर घर आते आते तेज बारिश होने लगी थी। इसको नाश्ता वास्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं खाना चढ़ा दूँगा, तो खाना बन रहा है। और अभी फिर से मौसम ख़राब ही होते जा रहा है। और चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में।